मुरकेश्वर में एक फ्लैट के अंदर चल रहे देह व्यापार अड्डे पर एसएसबी पथक यानी सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने छापा मारकर दो युवतियों को आजाद किया है, जबकि एक महिला दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हुड़केश्वर क्षेत्र के तिरुपति टावर्स बेसा पावर हाउस के पास फ्लैट में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर अपराध शाखा पुलिस विभाग के सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। हुड़केश्वर के इस अड्डे से दो युवतियों को हिरासत में लिया गया। महिला दलाल अंजलि उर्फ नूतन कालसर्पे उम्र 30 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। दस्ते की पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख के नेतृत्व में बुधवार को तिरुपति टावर्स की तीसरी मंजिल पर दो नकली ग्राहकों को भेजा गया। ग्राहकों ने अंजलि से युवतियों के बारे में बातचीत की। 5,000 रुपए में दोनों की बातचीत तय हुई। इसके बाद दोनों पंटरों को युवतियों के साथ कमरे में भेज दिया गया। पंटरों ने मौका पाकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने छापेमारी कर 22 और 26 वर्षीय युवती को हिरासत में लिया। सामाजिक सुरक्षा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की पोलीस ठाणे हुडकेश्वर हद्दीत येणारा दिगोरी चौक ते बेसा पॉवर हाऊसचा जो रस्ता आहे तिथे तिरुपती टावर नावाचे एक बिल्डिंग आहे आणि तिथे एक महिला जिनी खोटं नाव धारण केलेलं आहे अंजली आणि ती पीडित महिलांकडनं देह व्यापार करवून घेते आहे स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरता। मिळालेल्या गोपनीय माहितीची खात्री करण्याकरता रेड कारवाई करण्यात आली पंचांसमक्ष आणि त्यावेळेस दो जी आरोपी महिला होती अंजली ही पीडित दोन महिला तिच्या फ्लॅटमध्ये मिळून आल्या। त्यापैकी एका महिलेकरता रेड कारवाई करण्यात आली होती। त्या ठिकाणून दोन मुलींची सुटका करण्यात आलेली आहे। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां नागपुर की है और अविवाहित है। आरोपी महिला अंजलि दोनों युवतियों को कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच देकर देह व्यापार कराती थी। अंजलि कई दिनों से देह व्यापार में सक्रिय है। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर देह व्यापार चलाती है। अंजलि को उसका पति कुछ समय पहले ही छोड़ गया। उसे एक बेटा भी है। आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह युवतियों को जाल में फंसाकर उनसे देह व्यापार कराती थी। आरोपी जी महिला आहे तिचा पूर्वीचा रेकॉर्ड नहीं आहे आणि ती त्या फ्लॅट मध्ये ज्या ठिकाणी हा सगळा देह व्यापार करताना मिळून आली तर तिथे ती 3-4 महिन्यांपासूनच राहते आहे किरायाने। आणि ज्या मुली पीडित मुली ज्यांची सुटका करण्यात आली त्यापैकी एका मुलीचं वय 22 वर्ष आहे आणि दुसऱ्या मुलीचं वय 26 वर्ष आहे। 22 वर्षाची जी मुलगी आहे ती पूर्वी एका दुकानामध्ये नोकरी करत होती, परंतु काही महिन्यांपासून तिची नोकरी सुटलेली होती आणि घरी गरिबीची परिस्थिती असल्यामुळे आर्थिक ओढाताणीमुळे आरोपी महिलेच्या बहिकाव्यात येऊन तिने देह व्यवसाय सुरुवात केली होती। तसेच 26 वर्षीय जी मुलगी आहे ती सुद्धा आर्थिक परिस्थिती तिची चांगली नसल्यामुळे देह व्यापाराच्या व्यवसायात दलाल महिलेच्या सांगण्यावरून ती काम करत होती। भले ही सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने इस कार्रवाई से दोनों ही युवतियों को देह व्यापार के इस दलदल से निकाल लिया, पर यह बात समाज के लिए चिंता का विषय है कि आर्थिक स्थिति के चलते मजबूरन युवतियां खुद देह व्यापार जैसे इस दलदल में खुद को झोंकने पर मजबूर हैं। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।